बेगूसराय में एक बेटी ने अपने माँ व भाभी पर जबरन विकलांग युवक से शादी कराने का आरोप लगाया। घटना बखरी थाना के शिवनगर गांव की है। बताया जाता है कि छठी कक्षा के छात्र ने अपने ही माँ व तीन अन्य पर विकलांग युवक से मोटी रकम लेकर जबरन शादी कराने का आरोप लगाया। बच्ची ने साहस कर न सिर्फ इसका विरोध किया बल्कि ग्रामीणों के सहयोग से बच्ची ने अपने मां व तीन अन्य के खिलाफ पैसे लेकर जबरन शादी कराने का मामला दर्ज कराया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मम्मी इतने 10,000 पैसा लेना, मगर मम्मी लिया था रूपा बेचने के लिए जा रही थी क्या? जी, मंदिर पर तब वहाँ कहे की शादी करे लाए, तब हम कहे कि हम शादी करे वाला है, शादी करबे। तब हम कल खाने की जो हाँ हमरा तक क्या खर्चा करबे लो, हम करबे करवा, हमरा तक खर्चा करबे लो तो हम करबे करवा, हम कल हम नहीं करब। तब कल खाने की पंडित जी तब सब बात कह लिए, तब पंडित जी गोर धार पकड़ लिए थे। पंडित जी और लगा के हमरा गाड़ दल खाने हमारे भाभी है, अब कमल देवी हमरा मारलक हन, भाभीओ मारलखनी कि रुका हम समाज कथी करे बोलबे ही है। तब हम अलिए उनके साथ घर पर, हुनका घर पर रह लिए, तब समाज के कहलखनी, तब पंचायती बैठले तो कहलखनी कि थाना पर चला लाग, तब थाना पर गलखनी। एक लड़की को बेचने के लिए तीन आदमी कोशिश किया, हम सब समाज मिलकर इसको छीन छोड़ के बचाएं, और बचाते हुए भी तां भी आरोप हमसे दे रहा है जो ये गलत काम कर रहा है। कौन लोग लेके थे? कोई लोग लेके गए, और हम सागर सोलिना देवी और जो जो पेपर हम नाम औरत का नहीं जानते। थाना में आवेदन दिया है कि इसकी माँ और भाभी पैसा लेकर के इसको बेचने के लिए, शादी की नियत से बेचने के लिए ले गया था लोग बेगूसराय, वहाँ से भाग के थाना में आवेदन दिया, इस पर केस दर्ज हुआ है और उसका अनुसंधान आगे चल रहा है, जो भी बात प्रकाश में आएगी आगे कार्रवाई की जाएगी। Thank you.